रानीगंज लायंस जेडीएम चनानी डीएवी पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर 14 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती मंदिरा दे जी ने हिंदी के जनक भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को पुष्प अर्पित करते हुए किया। उन्होंने हिंदी भाषा की सरलता और व्यापकता पर विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक सप्ताह की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सप्ताह का उद्देश्य हिंदी भाषा की महत्व को समझना और उसे विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय बनाना था। हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कविता पाठ, भाषण, नारा लेखन, हिंदी कोलाज निर्माण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता प्रमुख है। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह से हिंदी सप्ताह समारोह बड़ा ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 14 सितंबर से हुई। प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह 18 सितंबर को बच्चों द्वारा कोलाज निर्माण प्रस्तुति, 19 सितंबर को नारा लेखन प्रतियोगिता तथा 20 सितंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता रखा गया। वाद विवाद प्रतियोगिता में विशेष रूप से आजकल सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल रहा है, उस तथ्य पर अपना अपना मत प्रकट करना था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे बड़े ही आकर्षक ढंग से तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहस को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किए। हिंदी दिवस के समापन समारोह के दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्राचार्य महोदया जी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की सराहना की और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। साथ ही साथ हिंदी सप्ताह समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्राचार्य महोदया श्रीमती मंदिरा दे जी ने हिंदी के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई दी। तुमने चाहिए कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार, अंत कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश के कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वह निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग